नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द मोटर टॉर्शन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिज़ायर के एक्चुअल वेट के बारे में। एक बड़ी सी वेइंग मशीन पे हम इसका जो है एक्चुअल वेट चेक करेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि डिज़ायर इंडिया की एक बेस्ट सेलिंग सीडान है। पिछले जब जब से ये गाड़ी लॉन्च हुई है, तब से ये गाड़ी मैक्सिमम टाइम जो है सेल्स में नंबर वन रही है। और एक्चुअल में ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है हर मामले में। ये गाड़ी एक बेहतरीन फीचर्स हमें ये प्रोवाइड करती है, चाहे आप बात करें माइलेज की या आप बात करें डिज़ाइन की और स्टोरेज स्पेस की, हर मामले में ये गाड़ी जो है काफ़ी अच्छी है। लेकिन साथ ही इसके साथ कुछ बुरी बातें भी जुड़ी हुई हैं, जो जैसा कि आप सबको पता है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। बहुत से लोगों का कहना है कि जितना गाड़ी का जो मेटल है, गाड़ी की जो शीट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होती है, हैवी होती है, थिक होती है, उतनी ही ज़्यादा जो है गाड़ी हैवी होती है और उतनी ही गाड़ी जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। वही अगर हम बात करें डिज़ायर की, तो डिज़ायर एक सबसे हल्की सेडान है अब तक की। इसकी जो स्ट्रिंग मेटल क्वालिटी है और इसकी जो शीट क्वालिटी है वो काफ़ी बेकार है। इसकी जो शीट है वो इतनी ज़्यादा थिन है, इतनी ज़्यादा पतली है कि एक बार तो लगता है कि शायद ये कागज़ जितनी ही पतली जो है इसकी शीट है। इसकी वजह से ये गाड़ी जो है इतनी ज़्यादा हल्की है और ये हमें जो है इतनी हल्की होने की वजह से जो हमें अच्छी पिकअप, अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है, अच्छी माइलेज प्रोवाइड करती है। दोस्तों, इस गाड़ी के साथ मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल से मैं गाड़ी चला रहा हूँ और आप यकीन नहीं करेंगे कि इस गाड़ी की शीट को हाथ से प्रेस करने से भी इस पे जो है डेंट पड़ जाता है। मैं आपको अपनी अगली वीडियो में दिखाऊंगा, एक नहीं तीन तीन डिज़ायर गाड़ियों पे मैं आपको ये करके दिखाऊंगा कि कैसे हाथ से दबाने से इस गाड़ी पे जो है डेंट पड़ जाता है। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम इसका जो है वेट चेक करते हैं, वेइंग मशीन पे इसको रखते हैं और देखते हैं कि कितना इसका एक्चुअल वेट है। जो कंपनी क्लेम करती है वो क्लेम करती है 865 से लेके 985 तक जो है इसका क्लेम करती है वेट, पेट्रोल से डीजल गाड़ी तक का। और आपको यकीन नहीं होगा कि इसका जो वेट है वो इंडिया की स्मॉल हैचबैक टियागो से भी कम है, जिसका वेट जो है 975 केजी से स्टार्ट होता है। और यहाँ जो डिज़ायर है इसका जो वेट है वो 865 केजी से स्टार्ट होता है। तो चलिए, मैं पहले आप सबको दिखा दूं कि जो गाड़ी है वो बिल्कुल खाली है, ना ही गाड़ी में कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज है, ना ही गाड़ी के अंदर कुछ पड़ा है। इसकी ना पीछे कुछ है ना आगे कुछ है, इसका बूट स्पेस है वो भी बिल्कुल खाली है, सिर्फ एक जो है एयर फिलिंग पंप है इसमें और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। एक जो है सीट है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं कितना इसका वेट आता है, क्या वेट आता है इसका जो है मीटर पे, कितनी इसकी जो है एक्चुअल कर्व वेट इसका हमें देखने को मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है डिज़ायर का VX है, यानी कि पेट्रोल मॉडल है, और हर वेरिएंट का जो वेट है वो थोड़ा थोड़ा वेरी कर सकता है। LXI का वेट थोड़ा कम और VXI का उससे ज़्यादा और फिर ZXI का उससे ज़्यादा, जैसे जैसे जो है इसमें फीचर्स बढ़ते जाते हैं जैसे कि अलॉय व्हील्स, तो वैसे वैसे जो है वेट का जो है डिफरेंस आता रहता है। चेक करते हैं डिस्प्ले में। तो दोस्तों, ये है डिज़ायर का एक्चुअल वेट जो है 890 kg और कंपनी जो क्लेम करती है वो 865 kg से 985, तो ये बिल्कुल विद इन रेंज है, एक्चुअल वेट ही है जो कंपनी क्लेम करती है। और ये जो हमने चेक किया है डिज़ायर VXI पेट्रोल के लिए चेक किया है और इसका जो वेट हमने चेक किया वो दो बार चेक किया, दोनों बार एग्जैक्टली बिल्कुल सेम 890 kg ही आया है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे लिए ये 3 चीज़ें करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद नहीं आया तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर मेंशन करें ताकि हम अपने चैनल को थोड़ा और इम्प्रूव कर सकें। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, थैंक यू, जय हिंद।